उत्तर प्रदेश की जनपद बांदा में आपराधिक मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि एक ऐसा ही गंभीर मामला सामने आया है जिसमें घात लगाए लुटेरे बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ लूटपाट की और उसके ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया। पूरा मामला जनपद बांदा के मवई बुजुर्ग के पास का है, जहां पर जमालपुर निवासी विजय कुमार बांदा शहर से अपने घर जमालपुर को जा रहा था। जैसे ही व्यक्ति मवई बुजुर्ग के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए बदमाशों ने व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले से व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। इस दौरान बदमाशों ने व्यक्ति के गले की चैन और लगभग 50,000 रुपए नगद भी छीन लिया। जहां आनन फानन में पास पड़ोस के लोग आए और मौका देखकर बदमाश वहां से फरार हो गया। लोगों ने जिला चिकित्सालय में घायल व्यक्ति को भर्ती कराया एवं थाना कोतवाली नगर बांदा में तहरीर दी। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी। अच्छा, क्या हुआ है? बांदा से मैं जमालपुर की तरफ जा रहा था। मवई बुजुर्ग ने बूढ़ा उर्फ दिनेश मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। अचानक ही मेरी कोई बातचीत नहीं और ना ही मुझसे बोला, दौड़ करके आकर के बस मुझे जो है फरसे से वार कर दिया। मेरे माथे पे बाजू में भी लगा, माथे में भी लगा। तो भूरा और दिनेश कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम मवई बुजुर्ग। मवई बुजुर्ग बांदा। हाँ बांदा। थोड़ी देर में मुझे जब मेरे ब्रत निकल आया, ब्रत निकलते थोड़ी देर में मैं साथ ही अपनी बांधने लगा अपने चेहरे आँख पे। मेरे को थोड़ा मुझे दिखाई नहीं पड़ने लगा, पीछे से आकर के तीन आदमी और उसके साथ मुझे उनका नाम नहीं जाना, मतलब उनके साथ में और भी लोग थे। हाँ, तीन व्यक्ति और थे। उन्होंने लग करके मिलकर मेरे गले की चैन भी और 50,000 रुपये चेन पड़े थे राइट हैंड की, वो निकाल कर ले गए थे। मैं झटपटा करके फिर जो है भागा आगे। और लाखन वर्मा है, विटनेस पे भी हुए। थाने में कोई तहरीर वगैरह दी, शिकायत की आपने? थाने में तहरीर करी थी, बयान ले करके भी गए थे, लेकिन वो कोई कार्रवाई कर नहीं गए। तो क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई करने के लिए अभी मैंने जो बोला था तो हमारे डिप्टी वर्मा जी ने वहाँ से कोई आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आ रहा? वो कह रहे हैं कि तुमने उनके घर में घुस के मारा है और हमला भी तब इस तरह हुआ है ताकि मेरे घर के जो जितने सदस्य हैं, मेंबर हैं, मेरी मिसेज है, मेरा परिवार है, वो तो खबर सुन करके आया है देखने के लिए कि हमारे लड़के कहाँ मरा पड़ा, किसने मारा। तो उनके घर के पास रुके तो उल्टा मारपीट करने लगी, औरतें मारने लगी। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल करके कार्यवाही की जा रही है। श्री विलास शर्मा, अन्नान भारत, जिला संवाददाता, बांदा।